नमस्कार, क्रिकेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिकेट में आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जिनको लेकर भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एमएसके प्रसाद का कहना है कि विश्व कप 2019 के बाद धोनी खुद नहीं खेलना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने ऋषभ पंत को मौका देना शुरू किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि धोनी इतना लंबा ब्रेक लेंगे। इसके साथ ही एमएसके प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिछले 10 महीने से क्रिकेट से दूर हैं। हर किसी को यही लग रहा था कि चयनकर्ताओं ने धोनी को टीम से बाहर कर दिया है, लेकिन अब भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने यह साफ कर दिया है कि धोनी को टीम से किसी ने बाहर नहीं किया है और उनका संन्यास का भी कोई इरादा नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान एमएसके प्रसाद ने कहा, विश्व कप 2019 के बाद हमारी धोनी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो कुछ समय के लिए फ़िलहाल ब्रेक चाहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ गए और हमने ऋषभ पंत को मौका दिया। यही कारण है कि धोनी अब तक क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। इसके साथ ही एमएसके प्रसाद ने केएल राहुल के विकेट कीपिंग की तारीफ करते हुए कहा, न्यूजीलैंड में राहुल का प्रदर्शन बेहद कमाल का था। सीमित ओवरों के क्रिकेट में राहुल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। राहुल के लिए विकेट कीपिंग कोई नई चीज़ नहीं है। रणजी ट्रॉफी मैच और विजय हजारे ट्रॉफी में वो विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हैं। हो सकता है भारतीय टीम में राहुल इस भूमिका को अपनाने के लिए मेहनत कर रहे हों। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज उन्हें जितने मौके मिले उसे उन्होंने ईमानदारी के साथ निभाया है। एक तरफ जहां केएल राहुल को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी विकेट कीपिंग को लेकर राहुल ने कहा था कि विकेट के पीछे धोनी की जगह लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी लोग विकेट के पीछे सिर्फ धोनी को ही देखना चाहते हैं। एमएसके प्रसाद के इस बयान से ये तो साफ हो चुका है कि धोनी को किसी ने टीम से बाहर नहीं किया है। धोनी अपनी मर्जी से खुद टीम से बाहर हैं और फिलहाल धोनी संन्यास के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि धोनी को लेकर सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या धोनी T20 विश्व कप में खेल पाएंगे, तो शायद जवाब है हाँ, क्योंकि अगर धोनी चाहें तो T20 विश्व कप में खेल सकते हैं। वैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बता दें, धोनी IPL के जरिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से IPL को फिलहाल अनिश्चित काल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अंत में जाते जाते एक सोचने और समझने वाली बात, दिमाग के बारे में एक कहावत है, अगर दिमाग में कचरा जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। कोरोना वायरस की वजह से आजकल हर कोई टेंशन में है, इसलिए अच्छा सोचें तभी आप दिमाग से स्वस्थ रह पाएंगे। मिलेंगे अगली बार क्रिकेट जगत की एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।